लोअर इंदिरा इरिगेशन प्रोजेक्ट होने के बाद नवापड़ा जिला के लंबी पानी गांव के करीब 20 परिवार डिस्प्लेस होके जाके नवापड़ा जिला के नवापड़ा गांव में बसे। लेकिन यहां पे रहने के करीब 4-5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पानी जैसी प्राथमिक जरूरतों के लिए अभी भी जूझना पड़ रहा है। अपन मैंने सब कहें जी आड़ के खोले आसले यहाँ इडा लोहर इंद्र विस्थापित डैम है लाइट लगे पुले आसले अच्छा इन्हें आसला पर कहता सब ठीक ठाक चली कि अपन मन को नहीं आया इन्हें खूब असुविधा अच्छी कहाँ कहाँ ना बड़ असुविधा मैंने सब बड़ असुविधा बोले यहाँ आम और पानी बड़ समस्या है पानी बोले बहुत असुविधा हो गादी पाद बार बार नहीं पिला छुआ पड़ी वाला बेल से स्कूल जीवा बेल से घर के रंधा बड़ा करवा पेन आनवा लगे भी जगह नहीं मिलू एंती एंती केते असुविधा पानी खूब असुविधा है पानी के नु आनु छु पानी ने नोल गोटे अच्छा यहां से नोल रु आनु छु पानी बहुत असुविधा था नहीं पानी खूब कष्ट आ गया हमें जितकी बेले लोमी पेटे रहतु न इतकी पानी कष्ट हमें नहीं पई थी इने जितकी कष्ट हो छे जे मस्की को अपने ना सब मिसी कर केते जन खंड रहउ छु ने मिसी कर आ गया ने हेले भी हमें 100 जन पछु मानव अधिकार के ऊपर काम कर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस वीडियो के माध्यम से मैं ये तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ कि विस्थापन के द्वारा लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से विस्थापित नहीं होते लेकिन सरकार उनको विस्थापित करती है और उनको कैसे प्राथमिक ज़रूरतों जैसी चीज़ों के लिए कैसे वो लोग जूझते रहते हैं। इस वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोअर इंदिरा इरिगेशन प्रोजेक्ट के रिहेबिलेशन एंड रिसेटलमेंट विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान सुधीर रंजन पटेल जी को उनके मोबाइल नंबर 9437120622 पर फ़ोन कर जवाब डाले ताकि नवापड़ा जिला के नवापड़ा गांव में बसे हुए विस्थापित लोगों को पानी जैसी ज़रूरतों मुहैया कराया जा सके। मैं अभिषेक कुमार दास गांव नवापड़ा जिला नवापड़ा उड़ीसा से इंडिया अनहड़ के लिए।